करौली में पुजारी की हत्या को लेकर बीजेपी की आलोचनाओं का सामना कर रही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अब उनके ही एक विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के एक दलित विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार में न तो दलित विधायकों की बात सुनी जाती है और न ही कर्मचारियों की कोई सुनवाई होती है। उन्होंने कहा कि सरकार में जो ब्राह्मण मंत्री बैठे हुए हैं वे दलितों के काम नहीं कर रहे हैं। कटमरू विधानसभा क्षेत्र से आने वाले कांग्रेस के विधायक बाबूलाल बेरवा ने अशोक गहलोत सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया है। बेरवा ने कहा कि जब भी मैं दलितों के काम के लिए कोई कागज देता हूँ वे काम नहीं होते हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग में ही 4 ट्रांसफर दिए गए थे जिसमें से एक ब्राह्मण थे और 3 दलित थे। ब्राह्मण का टाइटल देकर उसका ट्रांसफर कर दिया गया जबकि 3 दलितों का ट्रांसफर नहीं हुआ। कटमरू विधायक ने यह भी कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी दलितों और अल्पसंख्यकों को इंसान नहीं समझती मगर कांग्रेस सरकार में यही हाल है तो क्या कहेंगे। विधायक बाबूलाल बेरवा ने कहा कि सरकार बचाने के लिए हमने सचिन पायलट का साथ छोड़कर अशोक गहलोत का साथ दिया जबकि सचिन पायलट का मेरे ऊपर बड़ा एहसान था। पायलट ने ही टिकट दिलाया था और पायलट ने ही वोट दिलवाए थे। बेरवा ने कहा कि मैं गुजरों के वोटों से जीता हूँ, अशोक गहलोत के सैनी और माली वोट मुझे मिले ही नहीं थे। कांग्रेस विधायक का अपने सरकार पर सवाल उठाना राजस्थान में पार्टी की अंतर्कलह को एक बार फिर उजागर कर रही है। हाल ही में सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर के खिलाफ केस किया गया था जिसके बाद फिर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी के तौर पर देखा गया था। अब जबकि पार्टी के ही दलित विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार पर सवाल उठाते हुए सचिन पायलट की तारीफ की है तो ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मामला दूर तक जाएगा। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बागी हो गए थे जिससे अशोक गहलोत सरकार पर संकट आ गया था। हालांकि बाद में पायलट को मना लिया गया लेकिन सब कुछ सही नज़र नहीं आता है।